गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और लॉकडाउन का पूरा मजा आप लोग ले रहे हो। देखिए, आज हमारा जो मानक व्यवसायों का वर्गीकरण, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं और मानक व्यवसायों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। मानक व्यवसायों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में रखा गया है, तो वैसे देखिए मानव व्यवसायों का जो किस प्रकार से विकास हुआ, विकास क्रम हमने चार आपको बता दिए थे, प्रागैतिहासिक काल, फिर प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल। ठीक है, तो उन्हीं क्रमानुसार इन सारे पंचम व्यवसायों का भी जो है विकास हुआ था। और मानव विकास की जो ऐतिहासिक बातें जो थी, ऐसा नहीं है कि कोई भी देश सीधे पंचम में आया हो या चतुर्थक में आया हो, यानी शुरुआती समय में ज्यादातर चाहे वो आज के विकसित देश हो या विकासशील देश हो, सबने शुरुआत यहीं से की है और वो धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था में विकास करते हुए आज वर्तमान समय में पंचम व्यवसायों तक पहुंच गए हैं। तो इस वर्गीकरण की हम बात करेंगे कि भाई प्राथमिक व्यवसाय में कौन कौन सी क्रियाकलाप को शामिल किया जाता है, द्वितीय में कौन से, तृतीय में कौन से, चतुर्थक में कौन से और पंचम में कौन से आते हैं। और ये होमवर्क में भी आपको ये सब करने हैं कि मानव व्यवसायों के प्रमुख वर्गीकरण को प्रस्तुत कीजिए, तो पांच पॉइंट डाल करके किसमें क्या आता है वो आपको लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय से हम स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक व्यवसाय क्या है, तो ये तो हम शुरुआत बाद में चर्चा करेंगे। सीधे तौर पर आप ये समझ लो कि इसमें कौन कौन से क्रियाकलाप आते हैं, यानी ये सबसे पहला है और सीधी सी बात है प्राथमिक है तो ये प्रकृति से सीधे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए क्रियाकलाप होते हैं, जैसे पशुपालन, ठीक है, पशु जो पशुपालन करना, संग्रहण, संग्रहण का मतलब जंगलों से कंदमूल भर एकत्रित करना, इसके अलावा शिकार या आकेट आप कह सकते हो, ठीक है, आकेट करना, इसके अलावा आपका कृषि और आपका लकड़ी काटना,